हमने सिंगल कपल लव स्टोरी, हमने ट्राइंगल लव स्टोरी भी देखी है, यहाँ तक कि हमने हैरम लव स्टोरी भी देखी है, लेकिन ये वाली लव स्टोरी इन सबसे हटके होने वाली है। तो भाई इंतजार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के वीरान सड़कों से। युनसियो बेचारी अकेले खूब सारी ग्रोसरी खींच के ला रही होती है, तभी उसकी मुलाकात तीन लड़कियों से हो जाती है। उनमें से एक लड़की इस पे उसका बॉयफ्रेंड चुराने का इल्ज़ाम लगाती है और देखते ही देखते इनके बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो तीन लड़कियाँ ले दनादन युनसियो की पिटाई कर रही होती है। खूब सारी पिटाई खाने के बाद जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है, वो अपने तीनों भाइयों को समन करती है। पूछताछ करने पर जो सबसे बड़ा भाई होता है वो एडमिट कर लेता है कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। अपने डिफेंड में वोंजे से कहता है, यार वो बहुत ही नक्छड़ी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मैंने उसे झूठ बोला कि मैं किसी और लड़की को डेट कर रहा हूँ। अब छोटी बहन का कुछ तो फायदा होना चाहिए। बाकी तीनों भाई भी बड़े भाई के सपोर्ट में सियो जून को ही टारगेट में लेते हैं। सीम्स लाइक इनके बीच ये बहुत आम बात है। लगता है ऐसे इंसिडेंट यून सियो के साथ कई बार हो चुके होते हैं। फ्लैशबैक से पता चलता है जब वो 17 साल की थी तब उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली होती है और उसे फ्री पोकट में दो हैंडसम स्टेप ब्रदर्स मिल जाते हैं। फिर बहुत जल्दी उनको अपना एक छोटा भाई भी मिल जाता है। सूत्रों की माने तो ये तीनों भाई इतने खूबसूरत होते हैं कि कोरिया की सारी लड़कियां, इनफैक्ट लड़के भी इन पर फिदा होते हैं। मोर ओवर ये तीनों इतने हैंडसम होते हैं कि चाहे किसी भी एंगल या फिर किसी भी परिस्थिति पे इनकी फोटो खींचो, ये तीनों डैशिंग ही दिखते हैं। अपने भाइयों का आर्गुमेंट सुन के सियो यून को आता है खूब सारा गुस्सा और फिर वो जो लात घूसे से उनकी पिटाई करती है, देख के मजा आ जाता है। तो लगे हाथ शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। यून सियो जो कि हमारी कहानी की फीमेल लीड है, वो स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पे काम करती है। सूत्रों की माने तो इस महिला के पास एक छोटे हाथी इतनी ताकत होती है। कैजुअल क्लोदिंग, केयर फ्री एटीट्यूड और एंटी सोशल पर्सनालिटी, ये सारी खूबियां इसमें गुड गुड के भरी होती है। बोले तो बिल्कुल बिंदास गर्ल। सबसे बड़े भाई का नाम होता है वोंजे, जो कि अर्बन मोटर्स में काम करता है। सूत्रों के मुताबिक इसे गोल्ड डिगर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बड़ा भाई का नाम होता है वोंसुक, जो कि एक गे बार का मालिक होता है। जाहिर बात है वो भी एक गे ही होता है। तीसरे और सबसे छोटे भाई का नाम है सियोजून, जो एक हाई स्कूलर और एक नॉन डेबिट आइडल ग्रुप का मेंबर होता है। तो फाइनली एंट्री होती है कहानी के फर्स्ट मेल लीड की, जिसका नाम है कांगवू होता है। वो जस्ट अभी अभी अमेरिका से अपने देश लौटा होता है। पर्सनालिटी की बात करें तो ये काफी फन लविंग टाइप बंदा लगता है और साफ सफाई से इसे बहुत लगाव होता है। उसे अपनी खूबसूरती पे कुछ ज्यादा ही विश्वास होता है, समथिंग लाइक मैं तो लड़की यूं ही पढ़ा लूंगा। तो अपने इसी विश्वास की बदौलत वो एक लड़की का ब्रेकअप करवा देता है जस्ट फॉर फन। उसका बेस्ट बडी उसे एयरपोर्ट से पिकअप करने आता है, जिसका नाम होता है पार्क यंसू। इसकी दोस्त का खुद की एंटरटेनमेंट एजेंसी होती है, यानी कि निहायत ही अमीर आदमी। स्कूल वाइस प्रिंसिपल अपने फेवरेट प्लांट को रगड़ रगड़ के चमका रहे होते हैं, तभी सियो यून ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन बजट के साथ वहां प्रकट होती है। वो एक फीमेल स्टूडेंट का जिक्र करती है जो एथलेटिक्स में काफी अच्छी होती है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल होते हैं एक नंबर के खड़ूस, उसे बजट को पास ही नहीं करते, उल्टा खेल कूद को टाइम वेस्ट बताते हैं। सियो यून गुस्से में ऑफिस से बाहर आती है और अपना सारा गुस्सा हवा में लात घूसे मार के निकालती है। उसे ऐसी हरकत करते हुए स्कूल डॉक्टर देख लेता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले उसे इग्नोर मार के अपने रास्ते चल बनता है। मीनवाइल यून सियो का सबसे छोटा भाई, जो कि ट्रेनी आइडल होता है, वो अपनी क्लास में स्ट्रिप शो कर रहा होता है, अपना डांस परफॉर्म कर रहा होता है। यून सियो उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और पूरी क्लास के सामने उसका कान खींचते हुए फील्ड में ले आती है। उसके भाई की हरकतों से ये बात तो बखूबी समझ आ रही होती है, उसका दिमाग घुटनों में है। दुनिया में कौन ऐसा महान पुरुष है जो अपनी ही तारीफ इतनी ज्यादा करता है, और फिर कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि लड़कियां ही अपनी खूबसूरती पे इतना इतराती है। मिलो भाई इन जनाब से मिलो, आपका रवैया बदल जाएगा। एनीवे टू यून सियो को आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, वो फियर्स पी टीचर से अचानक क्यूट एक्ट करना शुरू कर देती है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे फैंटेसिया मिलने को बुलाया होता है। जब वो ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है, हर बेस्ट फ्रेंड वॉज लाइक, फैंटेसिया में तो लोग अक्सर प्रपोज करने के लिए इन्वाइट करते हैं, यानी कि वो प्रपोज करने वाला है। यून सियो भी ये सोच के काफ़ी खुश हो रही होती है।
तो सच धज के यूनसियो बहुत सी है फैंटेसिया रेस्टोरेंट में, वो अपने फ़ोन में पुरानी फोटो स्लाइड कर रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है, तभी एक अनजान आदमी उसके टेबल पे आके बैठ जाता है। वेरी सून शी फाइंड्स आउट कि ये तो इसका बॉयफ्रेंड है। वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड पहले मोटा हुआ करता था लेकिन अब वो मस्त हैंडसम हो गया होता है। भाई सब प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है, बट अपने बॉयफ्रेंड के इस नए रूप से यूनसियो बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं होती। उसका बिलीफ सिस्टम चीख चीख के कह रहा होता है ये तो गलत हो गया, अब ये बंदा पहले जैसे सॉफ्ट हार्टेड नहीं रहेगा। असल में यूनसियो का मानना था कि हैंडसम लड़के दिल से अच्छे नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ नॉन हैंडसम लड़कों को ही डेट करती थी। अगले ही पल उसका बॉयफ्रेंड उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने के बजाय ब्रेकअप कर लेता है, और ब्रेकअप करने का रीज़न भी क्या होता है, अब तो मैं हैंडसम हो गया हूँ तो अब तो कोई भी लड़की मुझसे पट जाएगी, तो फिर मैं तुम जैसे लड़की को क्यों डेट करूँ। इसके बाद यूनसियो का देवदास मोड स्टार्ट हो जाता है। म्यूजिक दिल के यूनसियो अपने बड़े भाई के गे बार में जाके खतरनाक रोड़ा मचाती है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को चैलेंज करने के लिए वो बार में मौजूद लड़कों को लाइन मारना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी बंदा उसे भाव नहीं देता। वो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वॉन्सुक उसे कहता है अब ये सब के सब ये हैं, उन्हें वैसे भी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं होता, और दूसरी बात तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से कोई प्यार व्यार नहीं था, प्यार होता तो तुम आंसू बहा रही होती। यूनसियो सोचती है यार ये कैसे हो सकता है कि मेरे एक बूंद भी आंसू नहीं गिरे। इसी चक्कर में वो और ज़्यादा दारू पी लेती है। तो नेक्स्ट डे स्कूल में यूनसियो अपने एथलीट स्टूडेंट के क्लास टीचर से मिलती है। असल में लीजू ही एक कमाल की एथलीट होती है, लेकिन वो कई दिनों से एबसेंट चल रही होती है, इसलिए यूनसियो थोड़ी वरीड होती है। लीजू ही का क्लास टीचर उसे कहता है मैं हर एक बच्चे की खोज खबर नहीं रख सकता, और ख़ासकर उनका जिनका पढ़ाई से कुछ लेना देना ना हो। उसकी बातों से यूनसियो को गुस्सा तो खूब आता है, इसलिए वो हॉलवे में फिर से हवा में लात घुसे मारना शुरू कर देती है। वो एक दो केक फ्लावर पॉट टेबल को भी मार देती है, जिसकी वजह से वाइस प्रिंसिपल का फेवरेट फूल टूट जाता है। वो चारों तरफ देखती है कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं, और पाती है कि स्कूल डॉक्टर ने उसे फिर से देख लिया, लेकिन हमेशा की तरह वो इग्नोर मार के चल देता है। ये तूफान आने से पहले का सन्नाटा है। वाइस प्रिंसिपल की धमाकेदार एंट्री होती है और वो गुस्से में पूछता है ये फूल किसने तोड़ा। स्टाफ रूम में मौजूद सारे टीचर्स के पसीने छूट जाते हैं। यूनसियो डर के अपना हाथ ऊपर कर ही रही होती है, तभी स्कूल डॉक्टर एब्रप्टली बोल जाता है ये काम यूनसियो का ही है। फिर क्या, वाइस प्रिंसिपल उसकी सैलरी आधी काट लेते हैं, और यूनसियो अपने दोस्त से कहती है सारे हैंडसम लड़के एक जैसे ही होते हैं, मिस्टर ली को क्या ज़रूरत थी मेरा नाम लेने की, अब सभी मुझे बेशरम समझेंगे। कांग वू अपने अपार्टमेंट में चल आउट कर रहा होता है, तभी उसकी मम्मी पापा वहाँ आ धमकते हैं। हालांकि कांग वू किसी को बताना नहीं चाहता कि वो साउथ कोरिया वापस आ गया है, बट ये दोस्तों के पेट में कोई बात पचती गाय है। असल में कांग वू की ग्रैंड माँ होती है एकदम हिटलर टाइप महिला, जिससे फैमिली का हर एक बंदा खौफ खाता था, तो कांग वू के फैमिली ट्री को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रैंडमा है सुप्रीम पावर, जो कि इनके फैमिली बिजनेस की चेयरवुमन है। उनके दो बेटे और दो डॉटर इन लॉ होते हैं। थर्ड जनरेशन में टोटल 3 सिबलिंग्स हैं, जिसमें कांग वू से तो सबका परिचय हो ही गया है। दूसरे सिबलिंग का नाम है ली मेन योक। हाँ भाई, ये वही स्कूल डॉक्टर है। इतने अमीर होने के बावजूद एक छोटे से स्कूल में एज अ डॉक्टर काम करता है ये। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, औरत का चक्कर बाबू भैया। तीसरी सिबलिंग है ली कांग की, एक लौती यही एक जनरेशन होती है जो बिजनेस में हाथ बटा रही होती है, बाकी सब तो निकम में होते हैं। अब ग्रैंडमा की ख्वाहिश ये होती है कि जल्द से जल्द कांग वू फैमिली बिजनेस में काम करना शुरू कर दे, लेकिन कांग वू का सपना तो कुछ और ही होता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को अवॉइड कर रहा होता है ताकि उसे ये कॉन्वर्जेशन ना करनी पड़े। इमीन ऐसी अजीबोगरीब तरीके से मी क्यांग को अप्रोच करता है कि वो डर जाती है। वो पूछती है क्या कर रहे हो तुम, इवन वॉज लाइक आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मी क्यांग के मन में तो लड्डू फूट जाते हैं। वो कहती है इंतजार कर रहे थे मेरा। तभी इवन पूछता है क्या मिस यूनसियो मेरी उस हरकत से अपसेट है। मी क्यांग वॉज लाइक चिल रो, वो ऐसे छोटी मोटी बातों को बुरा नहीं मानती। वही यूनसियो को अपनी स्टूडेंट ही जो ही की काफ़ी चिंता होती है, इसलिए वो अपने छोटे भाई सियो जून को उसका पता लगाने का काम देती है। इसी के साथ एक नया चैप्टर ओपन होता है स्कूल रियूनियन का। पाक एंड सू भी कांग वू को स्कूल रियूनियन में जाने को इंसिस्ट करता है, बट कांग वू साफ साफ मना कर देता है। इस पर पाक एंड सू कहता है अरे यार तुम्हें चलना चाहिए, आफ्टरऑल तुम पूरे बदल गए हो, तुम्हें अपना चेहरा सबको दिखाना चाहिए, क्या तुम अपना बदला नहीं लेना चाहते। कांग वू का जवाब रहता है ये सब फालतू की बातें हैं। यूनसियो फिर उसे स्कूल टाइम वाले निक नेम से बुलाता है। जैसे ही कांग वू अपना पुराना निक नेम सुनता है, उसके पेट में कुछ गड़बड़ लग जाती है, उसे तुरंत प्रभाव से बाथरूम जाना पड़ता है।
इस शर्मनाक इंसिडेंट के बाद कांगवू एक जाने माने साइकेट्रिस्ट को विजिट करता है। उसका नाम होता है डॉक्टर किम डोंगू। अब असल में होता कुछ ऐसा है कि डॉक्टर किम डोंगू का एक जुड़वा भाई होता है और अभी फिलहाल डॉक्टर किम डोंगू कहीं लापता हो गए हैं, इसलिए उसका जुड़वा भाई उसके ऑफिस में एवरी चिल आउट कर रहा होता है। तो जब कांगवू उसके ऑफिस विजिट करता है, उसके जुड़वा भाई को ही डॉक्टर समझ बैठता है और अपॉइंटमेंट के लिए खूब सारे रुपए ऑफर करता है। अब डॉक्टर का ट्विन ब्रो सोचता है जब लक्ष्मी खुद चल के घर आ रही है तो मना कौन करे इसे। तो कांगवू अपनी सिचुएशन के बारे में ट्विन ब्रो को एक्सप्लेन करता है। वो उसे बताता है जब कभी भी उसे अपने स्कूल के पुराने दिन याद आते हैं तब उसे जोर की लग जाती है। ट्विन ब्रो बीइंग अ फेक डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि सिचुएशन को डॉग लाइक सिचुएशन कहते हैं। कांगवू वाज लाइक हैं। ट्विन ब्रो उसे एक्सप्लेन करता है मुझे कुत्ते ने काट लिया था और उसके बाद मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था, फिर मैंने कुत्ता पाल लिया और अब मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। इस पर कांगवू कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे स्कूल पुलिस का सामना करना चाहिए। ट्विन ब्रो कहता है एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता ब्रो। तो कांगवू के दिमाग की बत्ती चमकती है और वो जा पहुंचता है अपने स्कूल रीयूनियन में। रेस्टोरेंट में कुकिंग के कारण पूरा चारों तरफ धुआं धुआं होता है। उसी धुएं को चीरते हुए कांग उस लो मोशन में एंट्री लेता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, सभी लोगों की नजर एकटक कांगवू को ही देख रही होती है। इससे पहले कि कोई उसे अप्रोच करता, मीकियांग तुरंत उसे अप्रोच कर लेती है और पूछती है कौन हो आप। कांगवू एकदम सभ्य तरीके से उसे रिप्लाई देता है मैं हूँ ली कांगवू। जैसे ही वो अपना नाम बताता है मीकियांग के मुंह से निकलता है कांगवू सिचुएशन को संभालते हुए कहता है हाँ भाई जो तुम सोच रही हो भाई। अब चूंकि वह हैंडसम हो गया होता है इसलिए उसे सारे लोग भाव दे रहे होते हैं और उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। कांगवू लंबी लंबी अपने बारे में फेंके जा रहा होता है लेकिन हर बार जब वो फेंकता था सियुयुन उसे इंटरप्ट कर देती थी। असल में उसका कंसंट्रेशन पूरा खाने पे होता है इसलिए वो अपनी अलग ही दुनिया में होती है। बार बार उसके इंटरप्शन से कांगवू को चिढ़ आ जाती है। उसके टेबल पे जाके पूछता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन हो तुम। सियुयुन जवाब देती है तुम्हारी फर्स्ट लव। कांगवू को अचानक अपनी पुराने यादें रिकलेक्ट हो जाती है। उसका पेट फिर से अपसेट हो जाता है, मतलब कि भाई की पूरी इज्जत खराब होने में बस कुछ मिनट ही बाकी होते हैं। तो गाइज ये वाले पार्ट में तो बस इतना ही। अगले पार्ट के लिए कमेंट में लिखना पार्ट टू। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बी विनर डन। थैंक यू सो मच गाइज।